भैया निरंतर कहते रहे मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल मत इस्तेमाल करिए, ये मोबाइल नहीं है। आने वाले समय में 5 साल बीतने दीजिए, बस सिर्फ 5 साल बाद इस देश में जितने लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं वो सब मैं उसकी वजह बताऊं। उस आप चिंतन जो है, चिंतन जो व्यक्ति की शक्ति है चिंतन, वो ये मारे दे रहा है, ये आदमी को मुन्ना त्रिपाठी बनाए दे रहा है। मिर्जापुर सीरीज से मैंने एक शब्द निकाला, मुन्ना सिंड्रोम। ये बहुत सारे हमारे युवा भाइयों को बड़ी गंदी बीमारी लग गई, मुन्ना सिंड्रोम। मुन्ना सिंड्रोम, मिर्जापुर का एक पात्र है मुन्ना, तो मुन्ना सिंड्रोम है क्या? कुसंग नहीं करिए। उसका सबसे पहला लक्षण देखिए, उसके जो साथ में लोग हैं सब कुसंगी है। आपने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पिता की हत्या कर दो और आपका दोस्त तैयार हो गया, यही तो उस सीरीज में दिखाया, कुसंग। दूसरा आप देखिए उसका लक्षण, किसी की बात नहीं सुनना, किसी की, ना पिता की सुनना है ना गुरु की सुनना है। उसका प्रिंसिपल उससे कहता है कि बेटा नेता बनना है तो गुंडे पालो, गुंडे बनो मत, गुरु की नहीं सुनना, और पत्नी इतनी बढ़िया मिली उसकी नहीं सुनना। ये सब मुन्ना सिंड्रोम के लक्षण है। पहला लक्षण कुसंग, दूसरा लक्षण किसी की सुनना ही नहीं, तीसरा नशा और व्यभिचार। नशा और व्यभिचार, और चौथा लक्षण हर वक्त उत्तेजना, हर वक्त। पूरी सीरीज में वो व्यक्ति गाली दे रहा है। तो अगर आप मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो एक तो मुन्ना सिंड्रोम, मुन्ना सिंड्रोम से किसकी तरफ जाना है? रैंचो मॉडल की तरफ। थ्री इडियट का जो नायक है वो रैंचो है।